सदानंद गौड़ा अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी तक उनके पास रेल मंत्रालय था, लेकिन रेलवे की जिम्मेदारी सुरेश प्रभु को दी गई है और सदानंद गौड़ा को कानून मंत्री बनाया गया है। अभी तक कानून मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था, रविशंकर प्रसाद के पास अब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। अरुण जेटली की जिम्मेदारी बढ़ गई है। भले ही रक्षा मंत्रालय का कामकाज उनसे ले लिया गया हो, लेकिन उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कामकाज सौंपा गया है। अब तक प्रकाश जावड़ेकर के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। प्रकाश जावड़ेकर के पास अब सिर्फ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होगा। पहले कैबिनेट विस्तार में राज्य मंत्री बनाए गए बंदारू दत्तात्रेय को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अब तक इस मंत्रालय की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर के पास थी। बंदारू दत्तात्रेय सिकंदराबाद से बीजेपी के सांसद हैं। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। पहले दो दिनों में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और आखिरी दिन यानी 12 तारीख को फडणवीस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि फडणवीस सरकार किसका समर्थन लेगी। सदन में बीजेपी के 123 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 का है। इस बीच बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में तनातनी बढ़ती जा रही है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बीजेपी ने एनसीपी का साथ लिया तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। उद्धव ने बीजेपी को दो दिनों की मोहलत दी है। उद्धव की नाराजगी सुरेश प्रभु को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद और बढ़ गई है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी, 13 दिन की वो सरकार थी और अटल जी का फोन आया था बाला साहब को कि बाला साहब आपकी ओर से आप किसे मंत्री बनाना चाहते हो, तो बाला साहब ने सुरेश प्रभु जी का नाम दिया था। दुर्भाग्य की बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और कल तक मतलब आने वाले दो तीन दिन में ठीक से उत्तर नहीं मिला तो हम विपक्ष में बैठेंगे। शिवसेना कोटे से अनिल देसाई को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना था, लेकिन उद्धव महाराष्ट्र का मसला हल न होने की वजह से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने अनिल देसाई को वापस बुला लिया। उद्धव ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो अनिल देसाई शपथ ले लेते। दरअसल शिवसेना चाहती है कि विश्वास मत से पहले कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाए। शिवसेना 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री का पद चाहती है, लेकिन बीजेपी ने संकेतों में जता दिया है कि शिवसेना के अल्टीमेटम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अजात शत्रु नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति कर रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अजात शत्रु सिंह ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत का मिशन पूरा नहीं होता वो चैन से नहीं सोएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जैसे ललकार रैली में उन्होंने माझा हरि सिंह साहब का नाम लिया था, जो उनका एक ड्रीम था जम्मू कश्मीर बनाने का, वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसके बारे में बात की है। और जो मिशन 44 है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो मिशन 44 है उसको पूरा किया जाए। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक बुजुर्ग शख्स की रहस्यमयी हालत में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि कत्ल लूटपाट के इरादे से किया गया, क्योंकि वारदात के बाद से ही वो 6 लाख रुपए भी गायब है जो इस बुजुर्ग के पास था। कपड़ों के कारोबारी 70 साल के वीर सेन जैन दोपहर को इसी कमरे में आराम करने के लिए आए थे और दुकान से 6 लाख रुपए भी लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद जब उनकी बेटी अपने पिता से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता का कत्ल हो चुका है और 6 लाख रुपए गायब है। एक चौंकाने वाली बात ये रही कि जब उनकी बेटी यहां पहुंची तो दो लोग वीर सेन की लाश के पास खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी को देखा रफू चक्कर हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। दूध का कारोबार करने वाले रिंकू नाम के इस नौजवान को उसके एक भाई सुधीर के साथ कुछ और लड़कों ने अगवा कर लिया था। अपहरणकर्ता उन्हें यूपी के बागपत ले गए, जहां दोनों को शराब पिलाई और फिर रिंकू के सीने में गोली मार दी। उसके भाई ने जान बख्शने की गुहार लगाई तो उसे छोड़ दिया और रिंकू की लाश को सुधीर के साथ जीटीबी अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। सुधीर ने आजाद फौजी नाम के एक शख्स और उसके दोस्तों पर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम लगाया है।
दिल्ली के तिलक विहार इलाके में चोरों ने एक केमिस्ट शॉप को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिए। इस पूरी वारदात को चार चोरों ने मिलकर सिर्फ चार मिनट में अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। लेकिन ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं है। इस बीच लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं। फरीदाबाद के नीमका गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई। गोलियां चलाने का आरोप उत्तर प्रदेश से आए दो बदमाशों पर है। दरअसल गांव के ही दो परिवारों के बीच विवादित जमीन की नाप जोक की जा रही थी। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और फिर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गाँव वालों ने बदमाशों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। झारखंड के रामगढ़ में बदमाशों ने शहर के बीचों बीच ज्वेलरी की दुकान से लाखों का माल लूट लिया। शाम के करीब 7:30 बजे एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर 6 लुटेरे दुकान में पहुंचे और मैनेजर को सोने और हीरे के जेवर दिखाने को कहा। फिर बंदूक के दम पर लूटपाट शुरू कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे मौज मस्ती करने गए 3 लड़के पानी में बह गए। तीनों डांस क्लास खत्म करने के बाद यमुना के किनारे घूमने गए थे लेकिन वापस नहीं लौट सके। तीनों के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने पर घरवाले भी हैरान हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश शुरू कर दी है। बठिंडा पुलिस ने आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का मेंबर होने के इल्जाम में रमनदीप सिंह सनी नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सनी के पास से उन्हें देसी हैंड ग्रेनेड और रिवॉल्वर हाथ लगे हैं। फिलहाल पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर उसके इरादों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक सनी ने बाकायदा पाकिस्तान जाकर आईएसआई से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली है। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने के शतक पर पानी फिर गया। जहां एक छोर से श्रीलंकाई बल्लेबाज ढेर होते गए, वहीं दूसरी ओर से महेला ने 118 रनों की शानदार पारी खेली। महेला ने वनडे क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के 5वें और श्रीलंका के 3रे बल्लेबाज बन गए। भविष्य में अपने बोर्ड के साथ करार विवाद के चलते अगर खिलाड़ियों ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय दौरा बीच में रद्द किया तो उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में यह फैसला किया गया कि ऐसा करने पर उन खिलाड़ियों का आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स में फ्रेंचाइजी से अनुबंध रद्द किया जा सकता है। हाल ही में वेस्टइंडीज टीम अचानक भारत दौरे को रद्द करके लौट गई थी। भारतीय हॉकी टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में खेले गए 4थे मैच में 3-1 से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 और उथप्पा ने 1 गोल किया। ये मैच कप्तान सरदार सिंह का 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में रफ्तार का रोमांच देखने को मिला। जेके रेसिंग चैंपियनशिप के फाइनल में युवा ड्राइवरों के बीच कड़ी टक्कर हुई। चैंपियनशिप के विजेता बने जेके एलजीबी फॉर्मूला 4 के दिलजीत। उधर ग्रिड गर्ल्स ने रफ्तार में खूबसूरती का तड़का लगाया, साथ ही स्टंट शो का भी आयोजन किया गया।